एक बार फिर से चुनाव जीतते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अनाज मंडियों में उन्होंने दौरा किया और साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना उनकी तरफ से साधा जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं लाइव सुनाते हैं आपको। वो बोलता था कि पहले मैं अपना घर भरूंगा, तो लोगों ने उसकी मंशा को समझ करके उसको बाहर कर दिया कि ये तो अपने घर भरने की बात कर रहा है। तो इस प्रकार की जो इनकी मंशा है, जो सोच है कांग्रेस की, वो लोगों के अनुरूप नहीं। मैं बोल रहा था बार बार, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सत्ता के अंदर आई है और मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा में कांग्रेस की जलेबी टिक्की दिखाई दी है, क्या कहा? देखिए, जलेबी तो हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस की बना दी है और हमने पहले भी इस बात को लेकर के कहा है कि हमारे कल्चर है, हमारा जो अलग अलग खान पान का है। इब राहुल गांधी को तो उसके बारे में जानकारी नहीं है, हरियाणा में कहाँ की जलेबी मशहूर है, कहाँ की बड़ी जलेबी मशहूर है, कहाँ की छोटी जलेबी मशहूर है, कहाँ की फिरनी मशहूर है, कहाँ का गेवर मशहूर है, कहाँ की बर्फी मशहूर है, उसको इसकी जानकारी तो है नहीं है, क्योंकि वो बिना जानकारी के ही इधर उधर वो बात करते रहते हैं। अब वो गोहाना की जलेबी किसी ने गाड़ी में उनको डब्बा दिया, कितनी बड़ी जलेबी भी होती है, वो उससे हैरान हुए। 15 तारीख को शपथ ले रहे हैं सरपंच बना हुआ है, 15 को दूर करेंगे। देखिए, वो डेट आपको बताएंगे, तो डेट आपको बताएंगे जल्दी ही। सपनों का क्या होगा, सपने ले रहा था हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा सपने ले रहा था। हमने कहा था कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई पार्टी है और कांग्रेस के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि ये झूठ बोल करके इन्होंने 2-3 राज्यों के अंदर सत्ता हथियाने का काम किया था, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है या कर्नाटक है, तेलंगाना है, परंतु धीरे धीरे करके नकाब झूठ का इनका उतरता चला गया। अब विश्वास कोई नहीं कर रहा है। अब जहां चुनाव होते हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, बड़े मैंडेट के साथ बन रही है। जल्दी हम युवाओं के लिए वो लिस्ट निकलने वाली है। हम जो सबसे पहले मैं 25,000 बच्चों का जो मैंने कहा था उनके रिजल्ट तुरंत निकल जाएंगे। नायब सिंह सैनी की तरफ से कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया और जलेबी को लेकर एक बार फिर उन्होंने राहुल गांधी पर तंज किया।